अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। मैं आपको आज स्नैक हैट और जिसको सवाल बोलते हैं और पठन फिश उसके बाइट जो स्पिनर होता है, स्पिनर बाइट आपको मैं घर बैठे आपको असम्बल करना और कैसा किस तरह से उसको बनाना है आसानी से बनता है घर। आप जब घर पे हैं तो इजी से इसको बना सकते हैं। इसके जो सामान वगैरह जो भी लगता है, इसके आपको कौन से चीज़ की अशिया की ज़रूरत पड़ती है आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं ये स्पिनर बैट हैंडमेड मेरा बने हुआ है, हैंडमेड सुई लगी हुई है, यहाँ पे छोटा सा पदक है, शीशे का बने हुआ है, सिंगल हुक है बीके के। इसको कौन से अशिया लगते हैं मैं डिटेल्स बताऊँगा। आसानी से बनता है स्पिनर। अब इसके लिए हम सिंगल हुक इस्तेमाल करेंगे, सिंगल हुक अच्छी है, मस्टर्ड की है। मैं ये जे एन फिशिंग टाइकल हैदराबाद से परचेस करा हुआ हूँ। अच्छे हुक्स रखते हैं, ये सिंगल हुक्स का इस्तेमाल करेंगे। सारे हुक वहीं से इस्तेमाल कर रहा हूँ, 4X की हुक है, उनके पास ही मैं परचेस करा हूँ। या मैप को या अपने जो चम्मच वगैरह के लीवर्स आते हैं ना, वहाँ पे अच्छे सकते हैं 4X। इस सारे से हुक मैं डबल हुक, अच्छी शॉप है, अच्छे सेलर हैं जे एन फिशिंग टैकल, कार्प के बीके के हैं, कार्प वास्ते अच्छी हुक है। जैसे उतनी छोटी पॉपअप के लिए भी आप अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्प फिश रहोगे वास्ते छोटी सी। और एक साइज है उससे ज़रा बड़ा, पॉपअप बॉल के लिए 15 kg तक आराम से उठाएगी भाई, 15 से 20 kg तक आराम से उठाएगी बीके के। अच्छे उठ सकते हैं भाई, माशाल्लाह ज़बरदस्त सेलर हैं। अब ये मैं स्पिनर पे क्या क्या लगते हैं बताऊँगा। पहले तो आप सिंगल हुक लीजिए, उसके बाद स्टील की तार, स्टील की वायर, स्टेनलेस स्टील की वायर लगेगी। हाँ, सेकेंड मैं पहले से बनाया हूँ उसकी पदक जो ऊपर लगती है ना, पदक इस वाली पदक लगेगी। कॉपर का है, स्टील के हैं, इसके बाद स्टीकर चढ़ा हुआ है, हाँ स्टीकर है। आप ये शीट लेके बना सकते हैं, कोई भी आपके पास घर में बेकार पड़ी हुई चीज़ शाइनिंग की है, उसकी पॉपुलर बना सकते हैं कटिंग करके। मैं कैसा करना कटिंग बताता हूँ तरीके से, जैसा कि ये भी है, ये कोई शेविंग जो ट्रिमर आता, शेविंग आता ना ट्रिमर का ऊपर का कवर मिल गया था, एल्यूमिनियम का अच्छा शेप है इसका, इसका भी बना सकते हैं कटिंग करके। ऐसा कट कर ले ऊपर से, ऐसा सीधा शेप भी बना सकते हैं। जैसा शीशा है,
इसको मेल्ट करके, मैं ऐसा रखा हूँ, इसको मेल्ट करके हम इसके नीचे का बेस बनाएंगे, इसका बेस बनाएंगे फिर शीशे से। राइट, किस तरीके से करना है, पहले हम स्टील की जो वायर यहाँ पे लपटेंगे। राइट, मेरे पास ब्लू लैंप है, ब्लू लैंप से थोड़ा उसका टेम्पर पहले ये करेंगे, उसके बाद इससे ये कर दें, इसमें ज़रा टेम्पर कम होता है, हार्डनेस कम होती है, खाली इतना फेस करना पड़ेगा हम 1 इंच, बस 1 इंच थोड़ा सा हीट करेंगे, इसका टेम्पर कम होता है, टेम्प सॉफ्टनेस आ जाती है इसमें, हार्डनेस की जगह सॉफ्टनेस आ जाती है, फिर यहाँ पे लपट लेंगे। थोड़ा ठंडा होने देते हैं, हम इस पर लपट लेंगे। देखिए इजी से हो रही, इसका हार्डनेस चले गया थोड़ा सा हार्डनेस, क्योंकि अब इतना हीट करे इसमें, इतना हिस्सा हीट करे इसमें, ये पूरा हार्डनेस जैसे होता है, क्योंकि इसकी हार्डवेयर होना पड़ता है, स्पिनर इसकी आरंदे बेस बट रहे। जैसा कि ये बस बेड है, मैं हाथ से बनाया हूँ, बस बेड की भी क्या मालूम है, हार्डनेस होना पड़ता है ना, बजर बेड। और मैंने लगाई लाइन, राइट, अब इसके ऊपर हम शीश है यहाँ पर लगा लेंगे। बनाना है 20 ग्राम का, 20 ग्राम्स का, 22 ग्राम्स का स्पिनर बनाना है। हाँ राइट, अब मैं इसमें शीशा कैसा बनाते हैं, कैसा लगाते हैं बताता हूँ। कोई भी पेन पेपर लीजिए, इसको बांध लें, अच्छे से देख के सेंटर आना चाहिए, सेंटर में। अभी हम यहाँ पे एक ये लपटेंगे, क्योंकि नीचे से शीशा निकल ना जाए। जितना लेना है उतना ही लेना है आपको, बाकी एक्स्ट्रा कट कर देना है, एक्स्ट्रा जो भी होगा कट। अब शीशा डाल देंगे, सेफ्टी के लिए मैं यहाँ पे टेप लगा रहा हूँ, गम टेप, खुलना पड़ा।
ये देखिए मैं इस तरह से वाइस में फिट करा हुआ हूँ सेंटर देखिए। अब हम शीशा मेल्ट करके करेंगे। भाई ये सब सेफ्टी से करना है, केयरफुली, सेफ्टी फर्स्ट। अगर आपके पास हीटिंग टॉर्च नहीं है तो आप LPG गैस पे भी कर सकते हैं, हीट होता है, मेल्ट जल्दी होता है। ठंडे के लिए छोड़ देते हैं, ठंडा होने के बाद उसको फिर शेप दे देंगे। थोड़ा सा ठंडा हो गया है अब उसके कवर पर निकाल देंगे। ये देखिए निकल गया बड़ा अच्छा। अब हम उसको फाइल शेप दे देंगे। यहाँ सामने जो शार्पनेस आती है शेप आती है यहाँ पे शेप दे देंगे फाइल से। थोड़ा सैंड पेपर का फिनिशिंग देंगे इसको। पूरा कंप्लीट होने के बाद में उसको कलर कर देना है, रेड कलर कर दी और जबरदस्त हो जाता है। ये देखिए इस तरह से फिनिशिंग हो गई इसकी। अब यहाँ से फोल्ड और यहाँ पे टर्न लेंगे, उसके बाद यहाँ से स्ट्रेट ऐसा होता है। कैसा बनना बताता हूँ आपको। इस तरह से इसको इसमें चाहे तो आप पहले से ही सिविल डाल सकते हैं, जैसा मैं इसमें सिविल डाला हुआ हूँ ऐसा सिविल डाल सकते हैं इसमें। मैं तो फिलहाल डाला हुआ नहीं हूँ। अब हम यहाँ पे पदक लगाएंगे यहाँ पे फोल्ड करके, यहाँ पे ऐसा एक पदक लगेगा। ये बेरिंग है, छोटे से सील्स हैं और ये है। उसकी पदक में जब हो रहा था ना उसकी पॉपुलर जो होती है पॉपुलर उसकी बनाएंगे। मैं शीट ले आऊँ, ये शीट नॉर्मल सी शीट है, शीट पे बना देंगे।
ये राउंड टाइप शेप काट लेंगे पूरा। ये देखिए इसको शेप देंगे ज़रा अच्छे से काट लिया हूँ। अभी हम छोटी सी सुराख डाल देंगे ड्रिल बिट से। यहाँ पे छोटी सी सुराख जैसे कि मैं पंच कर चुका हूँ, यहाँ पे पंच कर रहा हूँ, यहाँ पे राउंड करते हैं। हल्का सा शेप दे देंगे, टेपर टेप शेप देंगे। आगे पानी में वोबलिंग करे अच्छा। इसके लिए ये तार इस्तेमाल करेंगे, मैं ऑलरेडी पहले से बना चुका हूँ। मैं इसका बना रहा हूँ कपड़ा लगाने वास्ते। तो इस तरीके से आप बना ले सकते हैं तार का, उसी तार पॉपुलर को घुमाने वास्ते बना सकते हैं। हम इसमें लगाएंगे यहाँ का काम करेगा, ऊपर फोल्डिंग करेंगे, फिर ये पदक लगाएंगे। मुझे हल्की सी रिंग बनाया हुआ हूँ छल्ला टाइप तार के, इसमें सोइल बनाएंगे, बारीक सोइल है। ना तो अब ऐसे बड़ा बड़ी स्वील भी डाल सकते हैं, फुल वेयरिंग
सब जे एन फिशिंग टैकल हैदराबाद में आले वाले हुए, सिविल्स हुक्स, और गुलबर्गा में मेरे पास सिविल होने आपको बेरिंग सब मिलते हैं, आपको सब अवेलेबल हैं, लाइन्स हैं, टकोरे के बीके के हुक्स हैं, आपको आराम से मिल जाएंगे। ये सिविल हम इसमें इतना आएंगे, इसको क्रॉस कर चुका है, उसमें सील चढ़ाएंगे। तैयार हो गया, अब हम यहाँ करने पे एक लाइन बनाएंगे, क्योंकि स्कर्ट जब लगाते प्रॉब्लम नहीं होना, स्कर्ट लगाते हैं उसके बाद पेंटिंग होगा। हल्का सा, क्योंकि मैं जब यहाँ पे स्कर्ट लगाऊंगा तो बाद में अच्छा होता है, ग्रिप स्लिप नहीं होगी। कर पेंटिंग वगैरह करेंगे, रेड कलर कर लो, येलो कर लो, कौन सा भी कलर हो कर दिया सका। उसके बाद जैसे कि मेरे पास जेली फिश है, जेली फिश भी क्या मालूम है ऐसा हुक के तौर पर लगा ले सकते हैं, यहाँ पे सब काम करेगी। फिर नहीं तो स्कर्ट है, रेडीमेड स्कर्ट मिलता है, नहीं तो बलून का वगैरह ये भी लगा ले सकते हैं। स्कर्ट बना है, अच्छा स्कर्ट लगा लेंगे अंदर। और स्पिनर रेडी हो गया, स्पिनर लूज यहाँ पे हो गए, तो उसको मैं पेंटिंग करके बताऊंगा इंशाल्लाह। पेंट करने के बाद जो हाई है ना, पेंटिंग होने के बाद यहाँ पे आई लगाएंगे, इसको आग बनाएंगे, आग लगेगी उधर से डेट आग चुकाने के बाद। हम इसको पेंट करके रखा था, अब इसमें यहाँ पे आई लगाएंगे, यहाँ पे आई इस तरह से उसको यहाँ पे चुपका देंगे। Thank you.
स्कर्ट लगा देंगे, स्कर्ट। ये बजर बेड है, ये मेरा हैंडमेड है, स्पिनर बाइट। दोस्तों मैं आगे आपको ऐसी टिप देते रहूँगा आगे जो इंशाल्लाह, बस दुआओं में याद रखना।